हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में बोला गया अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, राइट। मीन्स एक बोट है जो 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम में जाती है एंड 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम के अंदर, राइट। एंड इट टेक्स कितना टाइम लगता है इसको, 8 आवर्स लगते हैं 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम को कवर करने में। एंड इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर्स, सो दिस इज 21 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड रिटर्न, रिटर्न का मतलब उतना ही रिटर्न भी करती है, कितने टाइम के अंदर, 5 आवर्स के अंदर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, मीन्स बोट की स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर आर। तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि जो बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में एक्स किलोमीटर पर आर है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो वाई किलोमीटर पर आर है। देयरफॉर जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो दो चीज़ें हमेशा फाइंड कर लेनी है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, स्पीड किस केस में, अप स्ट्रीम के केस में, ओके। तब बोट की स्पीड अप स्ट्रीम के केस में कितना होगा, अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट फ्लो, फ्लो के अगेंस्ट ऑब्वियसली कम होगी। तो क्या करते हैं, हमेशा बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। सो स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना हो गया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर, एंड स्पीड किस केस में, डाउन स्ट्रीम के केस में, एंड दैट इज वॉट डाउन स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करते हैं, बढ़ जाएगी स्पीड फ्लो के साथ बढ़ेगी, तो यस, तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग केस वन के अंदर। केस वन में क्या बोला था, 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, राइट। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि स्पीड अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई है, 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कवर करनी है, सो अभी हम लोगों के पास क्या है, डिस्टेंस, और हम लोगों के पास में क्या है, अप स्ट्रीम के केस में स्पीड, राइट। तब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तब हम लोग लगा सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है, एक्स माइनस वाई, सो दैट मस्ट बी द टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम केस, करेक्ट। अभी फिर बोला है 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम मीन्स डिस्टेंस है 28 किलोमीटर्स एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम के केस में कितना है, दैट इज एक्स प्लस वाई। तब तो ये क्या है, हम लोगों का टाइम है जो अप स्ट्रीम के केस में लगाया है, और ये है हम लोगों का टाइम जो डाउन स्ट्रीम के केस में लगाया है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो दोनों टाइम है 30 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, तो वो दोनों में लगे कितना है, 7 आवर्स। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अभी केस टू पर आते हैं हम लोग। केस टू के अंदर क्या बोला था, हम लोग को बोला है कि 21 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम, तो 21 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 21 और अप स्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी है, दैट इज एक्स माइनस वाई। तो ये वो टाइम है जो 21 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम जाने में लगता है। नाउ ये 21 किलोमीटर वापस भी आएगा, तो 21 किलोमीटर्स वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस 21 किलोमीटर एंड स्पीड दैट इज एक्स प्लस वाई, और दोनों का मिला के टाइम दिया है क्वेश्चन में कितना, 5 आवर्स। सो दिस इक्वल्स टू 5 आवर्स, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, लेकिन हम लोगों का ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं लग रही है, तो इनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू एम एंड
1 upon x plus y equals to n. So we get following equations. राइट हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है, क्या कंसिडर किया है, दैट वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एम एंड वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन. तो चलिए रख देते हैं इन इक्वेशंस में और फिर हम लोगों की नई इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी. सो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई मीन्स ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 30 इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वाई. तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे एम रख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसी को हम लोग 30 एम प्लस 28 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको कंसिडर किया जा सकता है. तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 28 एन इक्वल्स टू 7. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 21 एम प्लस 21 एन इक्वल्स टू 5, राइट, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 3, वी हैव इक्वेशन नंबर 4. अभी कैसे लग रहा है हम लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लग रहा है, टू वेरिएबल्स है, राइट. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं. और एलिमिनेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कोफिशियंट्स या तो m के कोफिशियंट्स एक जैसे कर लें या फिर n के कोफिशियंट सेम कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक हम लोगों का वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ वर्क करते हैं, n के कोफिशियंट सेम करते हैं, एलिमिनेट हम लोग n को कर देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 28 है कोफिशियंट n का, हियर 21 है कोफिशियंट n का. तो 28 और 21 का एलसीएम कितना होता है, 84, राइट. तो 84 हम लोगों को यहाँ पे कोफिशियंट करना है. तो 84 करने के लिए हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. सो इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई. और ये 21 है और 84 कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई. तो इस इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग थ्री बाई थ्री एंड इक्वेशन नंबर 4/4 एंड सब्ट्रैक्टिंग. और साथ में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो मेंशन कर देते हैं हम लोग, और दिस इज व्हाट, इसको किससे मल्टीप्लाई, 3 से. सो 30 में 3 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज व्हाट, 90 m. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 एन इक्वल्स टू 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21. अब इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से. तो 21 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 84 एम, 21 में मल्टीप्लाई करेंगे सो 84 एन, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 20. ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज हो जाएंगे. नाउ दिस इज पॉजिटिव 84, दिस इज नेगेटिव 84 एन, कैंसिल आउट. नाउ 90 m माइनस 84 एम, सो कितना रह गया हम लोगों का, 6 m एंड दिस इक्वल्स टू 1. देयरफॉर m इक्वल्स टू 1 अपॉन 6. ओके, हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड कर ली है और वो क्या है, m इक्वल्स टू 1 अपॉन 6. बट हम लोगों को n तो किसके प्लेस पर रखा है हम लोगों ने, 1 अपॉन x माइनस y. चलिए अगेन रख देते हैं, सो 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 ऑन रिवर्सिंग बोथ द साइड्स. तो दोनों साइड्स को रिवर्स करेंगे सो दिस इज व्हाट, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब हम लोगों के पास m की वैल्यू है एंड दैट इज 1 अपॉन 6. अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट किया जा सकता है. चलिए पुट कर देते हैं. सो ऑन पुटिंग m इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं सो दैट हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए रख दीजिए, सो दिस इज 30 इंटू m कितना है, 1 अपॉन 6 प्लस 28 n इक्वल्स टू 7. कैंसिल आउट किया सो दिस इज 5. तो क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 28 n इक्वल्स टू 7, हैंस 28 n इक्वल्स टू 7 माइनस 5. या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, 28 इक्वल्स टू 7 माइनस 5 मीन्स दैट इज 2 n. देयरफॉर n इक्वल्स टू व्हाट, 2 अपॉन, क्योंकि 28 n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो 28, कैंसिल आउट किया तो 14.
सो एन इक्वल्स टू 1/14, बट एन किसके प्लेस पे रखा है हम लोगों ने, 1/x + y इक्वल्स टू 1/14, देयर फोर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, दोनों साइड्स को रिवर्स कर दें तो 14. नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, एंड इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 6. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लस कर दें तो क्योंकि ये माइनस वाई है एंड दिस इज वॉट प्लस वाई, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो चलिए यही कर रहे हैं. सो बाय 5 + 6 दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 14. सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, कैंसिल्ड. x प्लस एक्स मीन्स 2x एंड दिस इज 14 + 6 इक्वल्स टू 20. हैंस x इक्वल्स टू वॉट 20/2 मीन्स 10. सो हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर ली ऑन पुटिंग x. x इन इक्वेशन नंबर 6. सो दिस इज वॉट 10 + y इक्वल्स टू 14. हैंस y इक्वल्स टू 14 - 10 इक्वल्स टू 4. देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, यस देयरफॉर x मीन्स द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू वॉट, x की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, 10 km/h. And y means the speed of stream is what, अभी भी find किया, and that is 4 km/h. उम्मीद है कि आपको question समझ आ गया होगा. अगर ऐसा है तो please video को like कर दें, channel subscribe कर लें, और बाकी के videos के लिए आप मेरी playlist में जा सकते हैं. Already मैंने बहुत सारे videos वहाँ पर upload करे हैं. मैं again आता हूँ एक नए video के साथ में. Till then enjoy my videos. Thank you. Thanks a lot.